एपिस्कोपल चर्च इन सदर्न एशिया बुलंदशहर पिलखनवाली इन दिनों 3 दिवसीय वीबीएस का आयोजन कर रहा है और चर्च इस बात का विशेष ख्याल रखता है कि बच्चों के साथ खेल खेल में मसीह के बलिदान का संदेश भी बांट लिया जाए। अगर मसीह यीशु सचमुच बलिदान न देता तो ये खुशी इनके पास ना होती। मसीह यीशु में अनंत जीवन है, ये बच्चे उसी अनंत जीवन के वारिस हैं। लगातार चर्च इनको सहयोग करता है कि ये आत्मिक रीति में प्रबलता को हासिल हो जाएं। आज वीबीएस का तीसरा और अंतिम दिन है और ये बच्चे हैं मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च इन सदर्न एशिया बुलंदशहर पिलखनवाली के। गर्मी के माहौल में जो जीवन से बढ़कर जीवन मसीह ने इनको दिया है उस जीवन को ये जीना चाहते हैं। आप सभी से हमारी गुजारिश है, इन बच्चों को अपनी दुआओं में याद फरमाएं। आने वाले कल में ये बच्चे मसीह के नाम का मजबूत स्तंभ बने और दुनिया में चमकने पाए। हमारे साथ वीबीएस की प्रेसिडेंट मिसेस कविता लॉरेंस हैं जो कि बच्चों को वो बांट रही हैं, सो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। आइए उनसे भी मुलाकात करते हैं। इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ वो मसीह का संदेश बांट रही हैं। महान मुक्तिदाता, यूहन्ना 3:16 में स्पष्ट किया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। ये अनंत जीवन मसीह यीशु में हमें मिलता है। सो वीबीएस की प्रेसिडेंट श्रीमती कविता लॉरेंस जी का भी हम खैर मकदम करते हैं। मैम, सचमुच ऐसी दोपहरी में भी इतनी चिलचिलाती धूप में आप मसीह के नाम का प्रचार प्रसार कर रही हैं, ये हमारे लिए बड़ी सराहनीय बात है। आज के लिए कुछ संदेश? मैं आनंदित हूँ और ये सोच कर खुश हूँ कि ये बच्चे जैसा एंजॉय कर रहे हैं वीबीएस के दौरान बाइबल वोकेशन के द्वारा, सो प्रभु इनको इसी तरह से खुश रखे। इन्हीं की खुशी में मेरी खुशी है। चलिए, बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा कि इन बच्चों ही की खुशी में उनकी भी खुशी है। सो मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च इन सदर्न एशिया बुलंदशहर पिलखनवाली की सेवाओं को आप हमेशा अपनी दुआओं में याद करते हैं। धन्यवाद।